ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर हाई कोर्ट के आदेशों के सरेआम धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। मंदिर मार्ग पर अवैध कब्जाधारियों के हौसले एक बार फिर बुलंद हो गए हैं। मंदिर मार्ग पर कुछ दुकानदार व फड़ी लगाने वाले कानून को नजरअंदाज कर अपना सामान सरेआम बेच रहे हैं। इस तहबाजारियों से न तो सरकार न कोई आय प्राप्ति होती है, बल्कि इनके कारण मंदिर मार्ग दिन प्रतिदिन संकरी होता जा रहा है। यहां तक कि कई बार यात्रियों के साथ हाथापाई की भी नौबत देखी गई है। इस मार्ग से स्थानीय प्रशासन के अलावा मंदिर के लिए प्रतिदिन कोई न कोई आला अधिकारी आता रहता है, लेकिन इस समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। मंदिर मार्ग के ऊपर अवैध कब्जों के बारे में क्या कहेंगे आप? ज्वालामुखी में जो मुझे सूचना प्राप्त हुई कि मंदिर मार्ग को कुछ लोगों द्वारा जो है अवरुद्ध किया जा रहा है और वहाँ इंक्रोचमेंट्स किए जा रहे हैं, तो उसके संबंध में जो है SDM ज्वालामुखी को और मंदिर अधिकारी जो है उनको निर्देश दिए जाएंगे कि ऐसा करने वाले सभी लोगों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाए और ये तुरंत जो कार्रवाई के आदेश जो है वो दिए जाएंगे, जिससे कि जो मंदिर में जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको जो है वो किसी भी कष्ट का सामना न हो।